Hello everyone, welcome back to a new session. Today we discuss Abacus 5's complement level 2 part 1. हमने लास्ट वीडियोस में Abacus without complement level 1 को कंप्लीट कर लिया था. As you already know, without complement means no formulas. जो bits available हैं, उनी bits को यूज करके आंसर लेकर आएंगे. और 5's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो बिट्स अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, उन सब को भी हम सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ 5's कॉम्प्लीमेंट. चलिए हम एक कंडीशन बनाते हैं और जानते हैं 5's कॉम्प्लीमेंट आखिर क्या है. तो चलिए Abacus टूल में वन स्लॉट पर हम बनाएंगे 4. और बताइए क्या इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि नीचे कोई भी बिट्स अवेलेबल नहीं है. क्या 2 ऐड कर सकते हैं? नो, सेम बिट्स अवेलेबल नहीं है. क्या 3 ऐड कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि बिट्स अवेलेबल नहीं है. सेम 4 के लिए भी हम 4 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 4 अवेलेबल नहीं है. लेकिन क्या हम 5 ऐड कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम 5 ऐड कर सकते हैं क्योंकि 5 बिट्स अवेलेबल है. अगर कुछ याद आया तो ये सेम टू सेम विदाउट कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन 5 कॉम्प्लीमेंट में हम अगर इस 4 बिट्स में 1, 2, 3, 4 ऐड करना चाहे तो हम ऐड कर पाएंगे. तो हम कैसे कर पाएंगे? सो कीप ऑन वॉचिंग. अगर हमें इसमें बिट्स ऐड करना है, उसके लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स है, मीन्स फॉर्मूलास. तो सबसे पहले 4 बिट्स में 1 ऐड करना है तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर हमें इन 4 बिट्स में प्लस 1 करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस 5 माइनस 4. अगर हमें इन बिट्स में प्लस 2 ऐड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस 5 माइनस 3. प्लस 3 करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा प्लस 5 माइनस 2. प्लस 4 करने के लिए प्लस 5 माइनस 1 करना होगा. हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में ये प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे इन 4 बिट्स में हम 1, 2, 3, 4 ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम 5's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से वो कर पाएंगे, क्योंकि हमें 1, 2, 3, 4 ऐड करने का फॉर्मूला मिल गया है. मीन्स अब हम कोई भी एडिशन कर पाएंगे, चाहे बिट्स डायरेक्ट अवेलेबल हो या ना हो. तो ये बात तो थी एडिशन की. अब हमें सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है. लेट्स टेक एग्जांपल एंड मेक 5. हमने 5 बनाया, क्या इस 5 में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं है. क्या 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज सेम नो, क्योंकि हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं है. 3 भी नहीं एंड 4 भी नहीं कर सकते. क्या मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? तो आंसर इज यस, क्योंकि वो डायरेक्टली अवेलेबल है. तो 1, 2, 3, 4 जैसे डिजिट के सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस के लिए भी कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, सेम एज एडिशन में सीखे थे. तो प्लस 1 ड्रॉ करने के लिए हम जो फॉर्मूला लेते थे
plus 5 and minus 4. तो सेम एज माइनस वन के लिए हम जो लेंगे फॉर्मूला वो होगा प्लस 4 एंड माइनस 5, माइनस 2 के लिए प्लस 3 एंड माइनस 5, माइनस 3 के लिए प्लस 2 एंड माइनस 5, एंड लास्ट माइनस 4 के लिए प्लस 1 एंड माइनस 5 करेंगे। तो ये रहा हमारा 5 कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्मूला जिससे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं अगर बिट्स अवेलेबल ना हो तब भी। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला को अटैच्ड कर दिया है जिससे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने में हेल्प होगा। पहले हम इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन कॉम्प्लीमेंट को यूज करेंगे, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इन फॉर्मूला को याद करना कितना इजी है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप नहीं कर पाओगे, आप इसे बहुत इजीली याद कर पाओगे। उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इससे पहले मूव टू कंडीशन फर्स्ट और बनाते हैं 4। अब इस 4 में 1 ऐड करेंगे तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला था हमारा 1 ऐड करने के लिए प्लस 5 एंड माइनस 4। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्लस 5 एंड माइनस 4। तो 4 प्लस 1 का आंसर होता है 5, जो कि हमारे एबाकस टूल में ड्रॉ हो चुका है। अब इन सबको मैं क्लियर कर देता हूं और अगेन 4 ड्रॉ करता हूं। इसमें 2 ऐड करेंगे तो फॉर्मूला था प्लस 5 एंड माइनस 3। तो प्लस 5 एंड माइनस 3, तो 4 प्लस 2 आंसर इज 6। नेक्स्ट 4 ड्रॉ करते हैं और इसमें 3 ऐड करेंगे तो फॉर्मूला था प्लस 5 एंड माइनस 2। तो ड्रॉ करते हैं प्लस 5 एंड माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 7। नेक्स्ट सम और ड्रॉ करते हैं 4। अब इसमें 4 ऐड करना है, मींस फॉर्मूला यूज होगा प्लस 5 एंड माइनस 1। तो प्लस 5 एंड माइनस 1, तो आंसर इज 8। अब सेम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो मैं यहाँ इन सब बिट्स को रिमूव कर देता हूँ और 5 बना देता हूँ। 5 बनाने के लिए अपर बिट्स को वैल्यू वाले से टच करेंगे और इसमें हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1। तो 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है प्लस 4 एंड माइनस 5। तो प्लस 4 करते हैं एंड माइनस 5 करते हैं तो आंसर इज 4, क्योंकि 5 माइनस 1 हमारा 4 होता है, जो कि हमारे टूल में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। अगेन 5 ड्रॉ करते हैं, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्मूला था प्लस 3 एंड माइनस 5। तो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और ड्रॉ करते हैं प्लस 3 एंड माइनस 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। नेक्स्ट सम लेते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं 5। अब इसमें मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फॉर्मूला था प्लस 2 एंड माइनस 5। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्लस 2 एंड माइनस 5, तो आंसर इज 2। मूव टू लास्ट फॉर्मूलाज, 5 ड्रॉ करेंगे और इसमें हम माइनस 4 करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस 1 एंड माइनस 5। तो
फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्लस वन एंड माइनस फाइव, तो हमारा आंसर आ गया वन। सो इसी तरह हम फॉर्मूला को यूज करके इन सब सम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइव्स कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।